हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबीज डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, कुछ बेबीज बहुत नॉटी होते हैं एंड नॉटी बिहेवियर कोई गलत बात नहीं है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बट एक्सट्रीम नॉटी बिहेवियर अगर बच्चा शो करता है तो वो कभी कभी पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग हो जाता है। हमारा टॉलरेंस लेवल, उनकी जो भी चीज़ें करते हैं वो बर्दाश्त करना, वो कभी कभी हमारा वो हमें दिक्कत देता है। एंड बच्चे अगर बहुत ज़्यादा नॉटी बिहेवियर शो करते हैं तो वो ज़िद्दी भी बन जाते हैं, जो आगे के लिए उनके लिए बहुत दिक्कत देगा। एंड अब उन नॉटी बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, आज हम आपके साथ इस वीडियो में वो सारी चीज़ों को शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें एक सबसे बड़ी गलती है जो शायद मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे के अंदर ये नॉटी बिहेवियर आ जाता है या ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप आगे वो गलती ना करें, जिससे कि आप अपने बच्चे का इस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें एंड उसे नॉटी बनने से रोक सकें। पहला पॉइंट है फिक्स लिमिट्स। फ्रेंड्स, बच्चा जो जो कहता है हमेशा वो चीज़ें नहीं माननी चाहिए, हर चीज़ उसके डिसीजन के से नहीं होनी चाहिए। जब आपका बच्चा टैंट्रम्स दिखाए तो आप थोड़ा स्ट्रिक्ट और थोड़ा जेंटल होके उसको समझाइए कि उसने जो बिहेवियर किया है या जो भी टैंट्रम शो कर रहा है उससे उससे वो चीज़ जो मांग रहा है वो नहीं मिलेगी। तो बेटर है कि वो चीज़ ना शो करते हुए अपनी बात को क्लियरली बोले, तो उसको इस तरीके से बिहेवियर शो करने से उसकी डिमांड फुलफिल नहीं होने वाली है। सेकेंड पॉइंट है रिड्यूस स्क्रीन टाइम। फ्रेंड्स, बच्चों को आप जितना कार्टून्स वगैरह दिखाओगे विदाउट एनी लिमिटेशन कि उसे कितनी देर देखना अलाउड है, तो बच्चों में एक क्यूरियोसिटी जो होती है कि हाँ बच्चा ऑब्वियस है कार्टून्स में बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों को तो बहुत इमेजिनरी कैरेक्टर्स लगते हैं तो उनको बहुत मज़े आते हैं देखने में, तो बच्चों का जो अट्रैक्शन है टूवर्ड्स कार्टून वो ज़्यादा होता जाएगा। एंड फिर आप बोलोगे कि हमारा बच्चा सारा दिन सारा टाइम कार्टून में देखता रहता है, तो फ्रेंड्स ये बिहेवियर भी आपके हाथ में है बच्चों को कंट्रोल करने का। अगर आप स्टार्टिंग में ही मोबाइल, कार्टून या कंप्यूटर इन सारी चीज़ों को का टाइम सेट कर दोगे तो बच्चों को भी पता होगा कि हाँ इन चीज़ों को ज़्यादा उसको आदत ही नहीं लगेगी, क्योंकि उसका पता है कि उसको इतनी देर ही छेड़ना या यूज़ करना उसको अलाउड है। थर्ड पॉइंट है स्टैंड स्ट्रॉन्ग। फ्रेंड्स, मैंने एक पहले भी वीडियो की है बच्चों के टैंट्रम्स के ऊपर, तो आप वो वीडियो को भी रेफर कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बच्चों जब नॉटी बिहेवियर जब बच्चों के अंदर आता है तो वो ऑब्वियसली वो बहुत सारे टैंट्रम्स भी शो करने लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा बहुत देर से रो रहा है तो आपने उसको रोता देख करके उसकी डिमांड पूरी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से ये उसकी आदत बन जाएगी कि उसके ब्रेन में ये कंसेप्ट बैठ जाएगा कि हाँ मैं अगर रोऊंगा या रोऊंगी तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। इंस्टेड आप स्ट्रॉन्ग बन के उसके रोने को इग्नोर करें एंड वो खुद चुप हो जाएगा, एंड देन उससे आप क्लियर करें या उसको समझाएं ये चीज़ कि रोने से उसे जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉइंट इज गिव हिम सम इंडिपेंडेंस। फ्रेंड्स, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें थोड़ा फ्रीडम चाहिए होता है। फ्रीडम का मतलब है जैसे आप हर चीज़ फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, आप हर चीज़ उन्हें नहीं बोलो उसे कि मतलब जैसे आप तुम अब ये करो फिर ये फिर वो, मतलब हर चीज़ उसे नहीं डिक्टेट करते जो कि अब उसने ये करना है फिर ये करना है। फ्रेंड्स, लेट देम चूज देयर क्लॉथ्स, जैसे ऑल्टरनेट डेज पे डेली बेसिस पे भी नहीं बोल दो कि तुम अपने कपड़े चूज करो, ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन अगर आप उसके कपड़े डिसाइड करो एक दिन वो अपने कपड़े डिसाइड करे। तो एक तरीके से जैसे आप दूसरा एग्जांपल ले लो, बच्चे को अगर एक ग्लास मिल्क पिलाना है उसे दूध देना है कि एक ग्लास तुमने पीना है, वो जिद्दी कभी कर रहा है कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा, तो उसे एक तरीके से आप उसको इंगेज कर दो चूज करने में कि तुम बिस्किट के साथ ले लो या रोस्टेड ब्रेड के साथ ले लो, तो उससे क्या होगा बच्चों में एक डिसीजन की चीज़ भी डेवलप होती है कि हाँ मैं डिसाइड करूंगा मुझे किसके साथ लेना। तो एक तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करो, जब आप इन्वॉल्व करोगे उससे बच्चों को भी अच्छा फील होगा एंड वो जिद्दी नहीं बनेगा। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इस वीडियो को कहा था कि बहुत सारे पेरेंट्स जो गलती करते हैं, वो पॉइंट है फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी। आप अपने अंदर एक चीज़ को कंसिस्टेंट रहो किसी चीज़ को लेकर के, डेली बेसिस पे आप अपना नेचर या अपना वे बच्चे को ट्रीट करने का अलग अलग नहीं रखो। जैसे कि अगर आपने किसी एक दिन अगर आपने बच्चे को फिक्स कर दिया कि उसने हाफ एन आवर या वन आवर अपना जो भी टीवी देखना है या जो भी वो खेल रहा है वो खेलना, ठीक है, आपने उसे खेलने दिया या टीवी देखने दिया, नेक्स्ट डे आप अगर किसी काम में बिजी हो
तो जैसे हम लोग करते ना, मुझे ये काम है, चलो तुम थोड़ी देर और टीवी देख लो, ठीक है। ये काम आपने नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आपने एक लिमिट सेट कर दी है कि उसने उतनी देर देखना है, नेक्स्ट डे भी आप उतनी ही देर उसे अलाउ करो, क्योंकि अगर आप एक दिन उसे एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, अपने अपनी काम में एंगेज हो इस वजह से, तो नेक्स्ट डे हो सकता है वो उतने ही टाइम मांगे जो उसने कल देखा हो। मतलब जैसे आपने फर्स्ट डे उसको हाफ एन आवर दिखाया, सेकेंड डे भी हाफ एन आवर दिखाया, थर्ड डे आपने उसको 1 आवर कर दिया, फोर्थ डे आपने उसको फिर 1 आवर कर दिया, फिफ्थ डे वो 1 आवर ही मांगेगा। अगर आप चाहो वापस वो हाफ एन आवर पे उतर जाए, वो नहीं उतरेगा। तो अपनी एक कंसिस्टेंसी रखिए कि नेक्स्ट डे आप एक रूटीन सेट करिए। रूटीन से क्या होता है, बच्चों को मिक्स्ड मैसेज नहीं मिलते। आप चेंज करते रहोगे अपना बिहेवियर, अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग, तो बच्चों को मिक्स्ड मैसेजेस मिलेंगे एंड वो कहीं ना कहीं नॉटी होता जाएगा, उसको जिद हो जाएगी मुझे उतनी ही देर वो चीज़ करनी है। तो फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी रखिए, बच्चे रूल्स फॉलो करेंगे, जब बच्चे रूल्स फॉलो करते हैं वो थोड़े कम नॉटी हो जाते हैं। फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने बच्चे को समझाओ कि ये जो वो नॉटी बिहेवियर कर रहा है इसका क्या रिजल्ट है, उससे उसको क्या मिलेगा। उसको ये चीज़ें समझाएं कि बच्चों को अभी कुछ समझ नहीं होती है, उन्हें आप जो सिखाओगे वो चीज़ सीखेंगे। बच्चे चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो चिड़ हो जाते हैं, तो वो उस वजह से भी नॉटी बिहेवियर शो करने लगते हैं। उनको कभी कभी आपका अटेंशन चाहिए होता है। अब अगर जैसे वो कुछ कर रहा है तो आप उसे नहीं देख रहे हो, या वो जो कुछ मांग रहा है उसे वो नहीं दे रहे हो, तो भी वो अपना टैंट्रम शो करता है, चिड़चिड़ मतलब शैतानियाँ करने लगता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए। तो बच्चों पर आप ध्यान रखो, वो आपकी बातें मान करके अपने नेचर को बहुत जल्दी चेंज कर लेता है। फ्रेंड्स बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उनको बहुत प्यार से डील करिए, हर चीज़ को समझाइए, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें चीज़ क्लियर कर दीजिए कि जो नॉटी बिहेवियर वो कर रहा है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, इसमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगे अपने बच्चे के लिए, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग हैं, कोई भी टिप आपको अपने बच्चे के लिए सुटेबल लगे, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे बच्चे नॉटी हैं एंड उनको हैंडल करना भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।